अगर आप लोगों को पता चल जाए कि अब तक आप लोगों ने जितने भी हैमस्टर कॉम्बैट के टोकन कमा रखे हैं ना, तो उनकी टोटल वैल्यू आप लोगों को क्या मिलने वाली है, मतलब कि जितने भी क्वीन आपके पास इस टाइम पे हैं तो उनकी टोटल प्राइस क्या बनेगी, ताकि आप लोग आने वाले टाइम के लिए पहले से ही अपने दिमाग में माइंड बना के रखें कि आप लोगों को गाड़ी खरीदनी है या फिर कोई बंगला खरीदना है। और मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास, क्योंकि मिलियन टिलियंस में क्वीन है यहाँ पे लोगों के पास। एंड जो प्राइस मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, इसको देखने के बाद तो भाई आपके अंदर एक तरह से आग लग जाएगी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। एक बहुत बड़ी न्यूज चार्ट में आपको दिखाऊंगा और उसके बाद इतना भी आपको समझ आ जाएगा कि कितने हैमस्टर के क्वीन आप लोगों को तुरंत सेल करने हैं और कितने होल्ड करने के लिए, क्योंकि आगे फिर इसकी प्राइस ऊपर जाएगी काफी ज्यादा। और वो कब जाएगी वो भी आज आपको पता चल ही जाएगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर करता चलूं कि यार सबसे जो बड़ी बात है ना यहाँ पे, अगर आप लोग अचीवमेंट वाले ऑप्शन में आओ ना, तो ये वाला जो कार्ड है ना, मतलब ये वाली जो कैटेगरी है अपग्रेड कार्ड टू लेवल 25, तो ये वाला जो टास्क है ना, काफी ज्यादा लोगों ने ये वाली अचीवमेंट पूरी नहीं कर रखी। और कमेंट करते हैं लोग के सर क्या अगर ये पूरी नहीं होगी तो क्या हमें एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा? नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। मैं इसीलिए पर्सनली अपना अकाउंट आपको दिखा रहा हूं कि ये देखो, ये वाली जो कैटेगरी की अचीवमेंट है ना, इसको तो मैंने एक भी पूरा नहीं किया भाई। इसको मतलब ऐसे पूरा हम लोग कर सकते थे कि आप जितने भी हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर कार्ड होते हैं ना माइन करने वाले, प्रॉफिट बनाने वाले, उनका किसी भी एक कार्ड का लेवल 25 लेवल से ऊपर तक आपको अपग्रेड करना है। और वहां तक पहुंचते पहुंचते भाई जितने मिलियंस क्वीन लग जाते हैं ना, तो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए मैंने इसको नहीं किया, 25 लेवल तक कोई भी कार्ड मैंने ओपन नहीं किया। इससे नीचे कोई 20 तक किया, कोई 18 तक किया, 19 तक किया। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अचीवमेंट है ना, इसका हमें इतना ज्यादा बड़ा एयर ड्रॉप मिलेगा नहीं। जो भी मिलेगा प्रॉफिट पर आर से उतना नहीं मिलेगा, हमें जो हाथ से क्वीन माइन किए होंगे ना उतना वहां से मिलेगा, और दूसरा जो हमने डेली रिवॉर्ड लिए होंगे वहां से बड़ा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट पर आर से भी अच्छा मिलेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइड करूंगा कि जितना भी कम टाइम बचा है आप लोग जल्दी से जल्दी फोकस करके वो चीजें बढ़ाओ ताकि आपको बड़ा एयर ड्रॉप देखने को मिले। लेकिन वो चीज तो तब आप देख पाओगे ना जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, आने वाले टाइम में आपको बहुत फायदा होगा। तो ये है वो न्यूज, और मैंने सोचा कि जल्दी से आप लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि ये वाली जो न्यूज है ना 2024 से लेके 2030 तक का बता दिया गया है कि हैमस्टर कॉम्बैट जितनी बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है, इसकी हाइप को देख के 2030 तक ये क्या गुल खिलाएगा हम लोगों को, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी प्राइस को भाई प्रिडिक्ट किया गया है 2024 से 2030 तक। और अगर हम लोग नीचे आए तो नीचे सबसे पहली जो हम लोगों को पोस्ट मिलती है, और यहाँ पे एक चार्ट भी दिखाया गया है, और ये ऑथेंटिक न्यूज आपको दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से भाई बैठता हूं, टाइम लग जाता है, पूरी रिसर्च करते हैं, उसके बाद हमारा आपस में डिस्कशन होती है, उसके बाद ही वीडियो बनाई जाती है, ताकि हमारे माइंड में जब तक ये क्लियर नहीं होता कि भाई 100 में से ये जो न्यूज आ रही है इसके कितने चांस है, 100 में से 90-80% चांस होते हैं, तभी हम लोग वो न्यूज आपके साथ शेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि कैमरे के आगे आके बैठ के बस वीडियो बना दी, वो और होते होंगे, यहाँ पे वो काम नहीं होते। बाकी ये है कि कोई न्यूज ऊपर हो जाती है, नीचे हो जाती है, कोई रियल होती है, वो भाई हम नहीं कर सकते। हमारा काम है आपको बताना कि ऐसा हो सकता है, तो आप तैयारी करके रखो। अब यहाँ पे बताया क्या गया है, क्योंकि कल रात को इनका कहना है कि मार्केट बहुत ही बुरे तरीके से गिरी है। आप अगर क्रिप्टो में है ना, तो BTC एक तरह से बहुत ही बड़ा डंप किया है उसने, और जब वो गिरता है ना तो ऑल्ट क्वीन सारे के सारे गिर जाते हैं। और यहाँ पे बताया ये गया है कि भाई, क्योंकि आपको पता है कि हैमस्टर का टोकन बाइनेंस पे जब से आया तो बड़ी छोटी एक्सचेंज के ऊपर भी आ चुका है बहुत सारी, और उसी के साथ ट्रेडिंग व्यू एक वेबसाइट है वहां पे भी आ चुका है। बेसिकली वो ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे दुनिया का हर क्रिप्टो होता है, दुनिया की हर स्टॉक मार्केट का मतलब क्वीन होता है, गोल्ड का क्वीन होता है, मतलब करेंसी का क्वीन होता है, हर किस्म की करेंसी जहां पे दुनिया में भाई चल रही है ना, ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे वहां पे होती है। वहां पे काम क्या होता है कि आप लोग एनालाइज कर सकते हो कि भाई इस टोकन की प्राइस कहां पे जाएगी, कितने बजे आएगी, कितने बजे ऊपर जाएगी, तो वो सारी चीजें वो वेबसाइट पे आप पता चला सकते हो।
अब माहिरीन ने जो भाई एक्सपर्ट लोग हैं इसको हैमस्टर के टोकन को चेक किया, जो रिजल्ट निकल के सामने आया यहाँ पे ये न्यूज छपी है। और इनका कहना है कि कल रात को जो क्रिप्टो की मार्केट क्रैश हुई है उस वाले क्रैश के अंदर भी हैमस्टर कॉम्बैट का टोकन जो है ना वो सस्टेन करने में सफल हो चुका है, मतलब उतना ज्यादा नहीं गिरा। अब करंट यहाँ पे इसकी जो प्राइस बताई जा रही है ना वो $0.18 तक, मतलब सेंट तक, $0 पूरा नहीं है भाई, 18 सेंट, डॉलर के सेंट बात कर रहा हूँ। अब ये है जो प्राइस है ना भाई, ये भी बहुत बड़ी प्राइस बनती है, लेकिन असल बात नीचे है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। चलते हैं, वहां भी चलते हैं। अब यहाँ पे सीधा सीधा इन्होंने बता दिया कि भाई इतने खतरनाक मार्केट गिरने के बाद हैमस्टर का टोकन अभी जहां जहां भी लिस्ट है ना प्री मार्केट पे, अगर वो इतना ज्यादा सस्टेनेबल कर गया तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू है ना आने वाले टाइम में 2024 खत्म होते होते, मतलब खत्म होने वाला है 3 मंथ का टाइम रहता है, 2024 खत्म होते होते हो सकता है कि हैमस्टर कॉम्बैट का जो टोकन है ना वो अराउंड पहुंच जाए 0.85 को। भाई सीधा सीधा जो है ना निकल जाएगा यहाँ पे 0.18 से, मतलब 18 से लेके 0.85 तक, मतलब 18 से लेके 85 तक जा सकते हैं, एक तरह से 80-85 ऐसे बोल सकते हो आप लोग। तो अंदाजा लगाओ 2024 के एंड तक 26 सितंबर को आपको पता है कि हमें इसका विड्रॉ देखने को मिल जाएगा। तो 3 मंथ आई थिंक रहते हैं, 2024 से 2025 में हम लोग चले जाएंगे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जैसे ही हैमस्टर का टोकन बाइनेंस पे हम लोगों को दिया जाएगा तो क्या हम लोग सारे सेल कर दें या फिर थोड़े होल्ड कर दें ताकि अगर तो प्राइस ऊपर जाए तो हम लोग डबल पैसा कमाएं, उसके ऊपर तो बात करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे नीचे इसका चार्ट भी दिखाया गया और यहाँ पे अगर और नीचे आए ना हम लोग तो प्राइस को प्रिडिक्ट किया गया है भाई साहब 2024, और यहाँ पे बताया ये गया है कि 2024 की जो सबसे लो प्राइस होगी ना, और सच पूछो तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हैमस्टर कॉम्बैट का टोकन इसी प्राइस में लॉन्च हो जाए। और ये है वो प्राइस जो बताई गई है 0.19 सेंट, डॉलर की बात कर रहा हूँ, सेंट जो बोल रहा हूँ वो डॉलर में है भाई, रुपीज में नहीं। तो 0.19 भाई 19, ये इसकी सबसे लो से लो प्राइस रहेगी 2024 में, और 2024 के एंड तक जाते जाते ये प्राइस बढ़ के जा सकती है, ज्यादा भी हाई लग जाए ना तो 1.20 पे जा सकती है, मतलब $1 से ज्यादा जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा पॉसिबल है क्रिप्टो की दुनिया में। आई थिंक आप में से काफी ज्यादा लोग न्यू होंगे, लेकिन मैं जानता हूं काफी टाइम से मैं हूं, यहां पे एक क्वीन आया था काफी पहले सोलाना के नाम से, उसकी प्राइस थी $8, लेकिन किसी को आइडिया नहीं था कि भाई वही सोलाना का कॉइन $90 पे पहुंच जाएगा एक रात के अंदर। और ऐसा हुआ, जिन्होंने $8 का खरीदा हुआ था एक कॉइन, वो उनका $90 तक चला गया था। तो ये पॉसिबल होता है भाई क्रिप्टो के अंदर, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जस्ट आपको आइडिया होगा कि ऐसा मतलब हो भी सकता है नहीं भी। अच्छा, आप 2025 में आ जाएं, 2025 में जो कम से कम प्राइस रहेगी ना हैमस्टर कॉम्बैट की वो रहेगी 0.45, अराउंड 50 तक पहुंच सकती है, और एवरेज प्राइस जो रहेगी ना वो रहेगी 1.20, जो 2024 में रहेगी हाई, और यही प्राइस 2025 में मीडियम आ जाएगी, क्योंकि 2025 में जो हाई प्राइस रहने वाली है ना वो 2.75 में भी जा सकता है, अराउंड $3 का भी हैमस्टर का एक क्वीन हो सकता है। और मेरी बात सुनो, इस टाइम पे जितने भी हैमस्टर के लोग माइन कर चुके हैं, अगर किसी के पास जस्ट 1 मिलियन भी टोकन है ना, तो अगर ये प्राइस हमें मिलती है तो भाई क्या हो जाएगा फिर, ऐसा सोचो ना, ये तो तबाही आ जाएगी। और यहाँ पे लोगों ने तो सच में बिलियन ट्रिलियन भाई सब क्वीन जो है ना माइन कर रखे हैं इसके अंदर। लेकिन इस न्यूज को देखने के बाद मैं बिलीव बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, 100% 50-50 चांस है कि यहाँ पे जो बात बताई गई है, क्योंकि हम लोग इसको डिनाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग देखते हैं फिर वो अपनी राय देते हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या बोलता है इस बारे में, तब यहाँ पे ये न्यूज लगती है। तो टोटली हम लोग इसको भाई डिनाई भी नहीं कर सकते, टोटली एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, हाँ बीच का रास्ता है, हम लोग ये देख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, इसलिए हम लोगों को तैयारी करके रखनी है कि भाई अगर तो हैमस्टर के टोकन की प्राइस हमें ज्यादा मिलती है उस टाइम पे जब हम सेल करेंगे तो हम लोग सारे ही सेल कर देंगे, मतलब कोई $500, कोई $1,000 का विड्रॉ मिलता है, कोई $5,000 का मिलता है, तो फिर तो सारे सेल कर दो,
लेकिन भाई इसकी प्राइस मायूस करती है, जैसे कैटिजन ने हमें किया है थोड़े क्वीन देके। तो फिर हमें क्या करना है कि भाई आधे सेल करने हैं, आधे होल्ड करने हैं, क्योंकि जितना इस प्रोजेक्ट की हाइप है ये बाद में पंप कर सकता है, ऊपर जा सकता है। तो मेरी बात को समझना, आपके लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इसकी इतनी प्राइस हमें मिलेगी नहीं, क्योंकि इसकी सप्लाई है काफी ज्यादा। मैं आपको अपना बता रहा हूँ, 10,000 हैमस्टर के कॉइन नहीं, 10,00,000 कॉइन के बदले में आपको मिल जाए इंडियन रुपीज में कोई 3 या 4 रुपए या फिर 5 रुपए भी मिल सकते हैं। ये मेरी ओपिनियन है, ज्यादा भी हो सकती है, मैं अपना बता रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। ये भी मिल जाए तो भाई कम तो नहीं है ना, आप सोच के देखो, लोगों के पास तो ट्रिलियन कॉइन है। और आप लोग क्या बोलते हो इसकी प्राइस के बारे में मुझे कॉमेंट में बताना, मैं उसका रिप्लाई भी आप लोगों को कर दूंगा। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी।